जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या पढ़ना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए है। वैसे मेरे चैनल पर दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने बात किया था वेद व्यास जी युधिष्ठिर को दान के बारे में बताते हैं, और उससे पहले वीडियो पे हमने बात किया था कि कर्ण क्यों इतना दान करता था, उसके पीछे एक रहस्यमय कारण। ठीक है, वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक्स में दे दिए, या फिर अगर आप महाभारत को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर दुर्वासा द्वारा महर्षि मृद्वल के दान धर्म एवं धैर्य की परीक्षा तथा मृंगल का द्वेत कुछ प्रश्न करना। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान महात्मा मुद्गल ने एक द्रोण दान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वो दान किसको दिया गया था, ये सब मुझे बताइए। मनुष्य के धर्म को प्रत्यक्ष देखने और जानने वाले भगवान जिसके कर्मों से संतुष्ट होते हैं, उसी श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष का जन्म सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यास जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में मुद्गल नामक एक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे, शील तथा उच्च वृत्ति से ही जीविका चलाते थे तथा सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। उन्होंने अतिथियों की सेवा का व्रत ले रखा था। वे बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी थे और कपोटी वृत्ति का आश्रय ले आवश्यकता के अनुरूप थोड़े से ही अन्न का संग्रह करते थे। वे मुनि स्त्री और पुत्र के साथ रहकर 15 दिन में जैसे कबूतर दाने चुगता है, उसी प्रकार चुनकर एक द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा इष्टिकृत नामक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार परिवार सहित उन्होंने 15 दिन तक भोजन प्राप्त होता है उन्हें 15 दिन तक भोजन प्राप्त होता था। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था। वे प्रत्येक पक्ष में दर्श और पौर्णमाश यज्ञ करते हुए देवताओं और अतिथियों को उनके भाग अर्पित करके शेष अन्न से जीवन यापन करते थे। महाराज, प्रत्येक पर्व पर तीनों लोकों के स्वामी साक्षात इंद्र देवताओं सहित पधार कर उन्हें उनके यज्ञ में भाग ग्रहण करते थे। मृगुल ऋषि मुनि वृत्ति से रहते हुए पर्वों कालोचित कर्म दर्श और पौर्णमास यज्ञ करके हर्षोल्लासपूर्ण हृदय से अतिथियों का भोजन देते थे। इससे से रहित महात्मा मृदुल एक द्रोण धान से तैयार किए हुए अन्न में से जब जब दान करते थे, तब तब देने से बचा हुआ अन्न मुद्गल के द्वारा दूसरे अतिथियों को दर्शन करने से बढ़ जाया करता था। इस प्रकार उसमें सैकड़ों मनीषी ब्राह्मण एक साथ भोजन कर लेते थे। मृदुल मुनि के विशुद्ध त्याग के प्रभाव से वो अन्न निश्चय ही बढ़ जाता था। राजन, एक दिन दिगंबर वेश में भ्रमण करने वाले महर्षि दुर्वासा ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मिष्ठ महात्मा मुद्गल का नाम सुना। उनके व्रत की ख्याति सुनकर वे वहां आ पहुंचे। पांडुनंदन दुर्वासा मुनि पागलों की तरह अटपटा वेश धारण किए, मूड़ मुड़ाए और नाना प्रकार के कटु वचन बोलते हुए उस आश्रम में पधारे। महर्षि मुद्गल के पास पहुंचकर मुनि से दुर्वासा ने कहा, विप्रवर, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुद्गल ने उनसे कहा, महर्षि, आपका स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने पाद्य उत्तम अर्घ और आचमनीय आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन व्रतधारी अतिथि से भी महर्षि मुद्गल ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्मद वेशधारी भूखे तपस्वी दुर्वासा को भोजन अर्पित किया। वह अन्न बड़ा स्वादिष्ट था। वे उन्मद मुनि भूखे तो थे ही, परोसी हुई सारी रसोई खा गए। तब महर्षि मुद्गल ने उन्हें और भोजन दिया। इस तरह सारा भोजन उदरस्त करके दुर्वासा जी ने जूठन लेकर अपने सारे अंगों में लपेट ली और फिर जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। इसी प्रकार दूसरा पर्व काल आने पर दुर्वासा ऋषि ने पुनः आकर उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले उन मनीषी महात्मा मुद्गल के यहाँ का सारा अन्न खा लिया। मुनि निराहार रहकर पुनः अन्न के दाने बिनने लगे। भूख का कष्ट उनके मन में विकार उत्पन्न करने में समझ ना हो सका। स्त्री पुत्र सहित अन्न के दाने चुनते हुए विप्रवर मुद्गल के हृदय में क्रोध, द्वेष, घबराहट तथा अपमान प्रवेश नहीं रह सके। इस प्रकार उच्च धर्म का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ
मिदगल के परस्पर महर्षि दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ाने का दृढ़ निश्चय लेकर लगातार 6 बार ठीक पर्व के समय उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उनके मन में कभी कोई विकार नहीं देखी। शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि मुद्गल के मन को दुर्वासा ने सदा शुद्ध और निर्मल ही पाया। तब वे प्रसन्न होकर मुद्गल से बोले, ब्राह्मण, इस संसार में ईर्ष्या से रहित होकर दान देने वाला मनुष्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। भूख बड़े बड़े लोगों के धर्म ज्ञान का विलुप्त कर देती है, धैर्य हर लेती है, तथा रस का अनुसरण करने वाली रसना सदा रसीले पदार्थों को और मनुष्य को खींचती रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है, चंचल मन को रोकना अत्यंत कठिन होता है। मन और इंद्रियों को एकाग्रता को ही निश्चय रूप से तप कहा गया है। परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन का शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष, तुमने यह सब कुछ यथार्थ रूप से सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हैं और अपने ऊपर तुम्हारा अनुग्रह मानते हैं। इंद्रिय संयम, धैर्य, दान, श्रम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब गुण तुम्हें पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुम्हारे जैसा पवित्र अंतकरण वाला दूसरा कोई नहीं है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया है, परम पद को प्राप्त कर लिया है। अहो, स्वर्गवासी देवताओं ने भी तुम्हारे महान दान की सर्वथा घोषणा की है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मास से तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। दुर्वासा मुनि इस प्रकार कह रहे थे कि एक देवदूत विमान के साथ मुद्गल ऋषि के पास आ पहुँचा। उस विमान में हंस और सारस जुटे हुए थे। शूद्र घंटिकाओं की जाली से उसे सुसज्जित किया गया था तथा उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वो विमान देखने में बड़ा विचित्र और इच्छानुसार चलने वाला था। देवदूत ने महर्षि मुद्गल से कहा, मुने, ये विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, इस पर बैठिए, आप परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। देवदूत के ऐसा कहने पर महर्षि मुद्गल ने उससे कहा, देवदूत, मैं तुम्हारे मुख से स्वर्गवासियों के गुण सुनना चाहता हूँ। वहाँ रहने वालों में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसी तपस्या होती है और उनका निश्चय विचार कैसा होता है, स्वर्ग में क्या सुख है और वहाँ क्या दोष है। प्रभु, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है, ऐसे कुलीन सत्पुरुषों का कथन है। मैं उसी मैत्री को सामने रखकर तुमसे उपयुक्त प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसके उत्तर में जो सत्य और हितकर बात कर हो उसे बिना हिचकिचाहट के कहो। तुम्हारी बात सुनकर उसी के द्वारा मैं अपने कर्तव्य का निश्चय करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देवदूत द्वारा स्वर्गलोक के गुणों दोषों का तथा दोष रहित विष्णुधाम का वर्णन सुनकर मुद्गल का देवदूत को लौटा देना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझा कर अपने आश्रम को लौट जाना। देवदूत बोला, महर्षि, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिस उत्तम स्वर्गीय सुख को दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं वो तुम्हें प्राप्त ही है, फिर भी तुम अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हो, इसके दोष गुणों की समीक्षा कर रहे हो। मुने, जिसे स्वर्गलोक कहते हैं और वहाँ से बहुत ऊपर है, वो यहाँ से बहुत ऊपर है। वहाँ पहुँचने के लिए ऊपर को जाया जाता है, इसलिए उसका नाम ऊर्ध्वर्ग भी है। वहाँ जाने के लिए जो मार्ग है वो बहुत उत्तम है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। मुद्गल, जिन्होंने तपस्या नहीं की है, बड़े बड़े यज्ञ द्वारा यजन नहीं किया है तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक है वो उस लोक में नहीं जा पाते हैं। ब्राह्मण, धर्मात्मा मन को वश में रखने वाले साम दम संपन्न ईर्ष्या रहित दान धर्म परायण युद्ध कला में प्रसिद्ध सूरवीर मनुष्य ही वहाँ सब धर्मों में श्रेष्ठ इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह रूपी योग का अपना कर सत्पुरुषों द्वारा सेवित पुण्यवानों के लोकों में जाता है। मुद्गल, वहाँ देवता साध्य विषदेव महर्षिगण यामधाम गंधर्व तथा अप्सराएं इन सब देव समूहों के अलग अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं जो इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तेजस्वी और मंगलकारी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का सुवर्णमय एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो मेरुगिरि के नाम से विख्यात है। मुद्गल, वहीं देवता के नंदन आदि पवित्र उद्गान तथा महात्मा पुरुषों के विहार स्थल है। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कोई ग्लानि नहीं होती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और कोई भय नहीं होता। वहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो घृणा करने योग्य और अशुभ हो।
वहाँ सब और मनोरम सुगंध, सुखदायक स्पर्श कानों और मन को प्रिय लगने वाले मधुर शब्द सुनने में आते हैं। मुने, स्वर्गलोक में ना तो शोक होता है, ना ही बुढ़ापा, ना थकावट, ना करुणाजन विलाप भी सब अनगोचर होते हैं। महर्षि, स्वर्गलोक ऐसा ही है, अपने सत्कर्मों के फल रूप ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्य वहाँ अपने किए हुए पुण्य कर्मों से ही रह पाते हैं। मुद्गल, स्वर्गवासी के शरीर में तेजस तत्वों की प्रधानता होती है, वे शरीर पुण्य कर्मों से ही उपलब्ध होते हैं। माता पिता के रजोबीजों से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उन शरीर में कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती, मलमूत्र का भी अभाव होता है। मुने, उनके कपड़ों में कभी मैल नहीं बैठती है। स्वर्गवासियों को जो दिव्य कुसुमों की मालाएँ होती हैं, वे कभी कुमलाती नहीं है, उनसे निरंतर दिव्य सुगंध फैलती रहती है तथा वे देखने में भी बड़ी मनोरम होती है। ब्राह्मण, स्वर्ग के निवासी ऐसे ही विमानों से संपन्न होते हैं। महामुनि, जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, वे वहाँ बड़े सुख से जीवन बिताते हैं। उसमें किसी का भी ईर्ष्या नहीं होती है, वे कभी शोक तथा थकावट का अनुभव नहीं करते हैं एवं मोह तथा देशभाव से सदा दूर रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं के जो पूर्वोक्त प्रकार के लोक हैं, उन सबसे ऊपर अन्य कितने ही विविध गुण संपन्न दिव्य लोक हैं। उन सबसे ऊपर ब्रह्मा जी के लोक हैं, जो अत्यंत तेजस्वी और मंगलकारी हैं। ब्राह्मण वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वही भृगु नामक दूसरे देवता रहते हैं, जो देवता देवगणों के भी आराध्य देव हैं। देवताओं के लोगों से उनका स्थान उत्कृष्ट है, देवता लोग भी यज्ञ द्वारा उनका यजन करते हैं। उनके उत्तम लोग स्वयं प्रकाश, तेजस्वी और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कराने वाले हैं। उन्हें स्त्रियों के लिए संताप नहीं होता है, लोगों के ऐश्वर्य के लिए उनके मन में ईर्ष्या नहीं होती है। वे देवताओं की तरह आहुतियों से जीविका नहीं चलाते, उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय है, उनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती। वे सुख में प्रतिष्ठित हैं, परंतु सुख की कामना नहीं रखते। वे देवताओं के भी देवता और सनातन है, कल्प का अंत होने पर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे जो के तो बने रहते हैं। मुने, उनमें जरा मृत्यु की संभावना तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति और सुख आदि विकारों का भी उनमें सर्वथा अभाव ही है। ऐसी स्थिति में उनके भीतर सुख दुख, राग आदि, देश आदि कैसे हो सकते हैं। मुद्गर, स्वर्गवासी देवता भी उन भृगु नाम के देवताओं को परम गति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वो परासिद्धि की आवश्यक अवस्था है, जो अत्यंत दुर्लभ है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों को वहाँ तक वो वहाँ पहुँच नहीं सकते। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोगों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से अथवा विधिपूर्वक दिए हुए दानों से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 है। ब्राह्मण, तुमने अपने दान के प्रभाव से अनायासी वो स्वर्गीय सुख संपत्ति प्राप्त कर ली है। अपनी तपस्या के तेज से दैवीत्यमान होकर अब तुम अपने पुण्य से प्राप्त हुए उस दिव्य प्रभाव का उपभोग करो। विप्रवर, वही स्वर्ग का सुख है और ऐसे ही वहाँ भांति भांति के लोग हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें स्वर्ग के गुण बताए हैं, अब वहाँ के दोष भी मुझसे सुन लो। अपने किए हुए सत्कर्मों का जो फल होता है, वही स्वर्ग में भोगा जाता है। वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता, अपने पुण्य रूप मूलधन गंवाने से ही वहाँ का भोग प्राप्त होता है। मुद्गल, स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे ये जान पड़ता है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहाँ से पतन हो जाता है। जिनका मन सुख भोग में लगा हुआ है, उनको सहसा पतन कितना दुखदायी होता है। स्वर्ग में भी जो लोग नीचे के स्थानों में स्थित हैं, उन्हें अपने से ऊपर की लोगों की समुज्जल श्री सम्मति देखकर जो असंतोष तथा संताप होता है, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। स्वर्गलोक से गिरते समय वहाँ के निवासियों की चेतना लुप्त हो जाती है। रजोगुण के आक्रमण से उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। पहले उनके गले की मालाएँ कुमला जाती है, इससे उन्हें पतन की सूचना मिल जाने में उनके मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। मौदल्य, ब्रह्मलोक, प्रयत्न, जितने लोक हैं, उन सब में ये भयंकर दोष देखे जाते हैं। स्वर्गलोक में रहते समय तो पुण्यात्मा पुरुषों से में सहस्त्र गुण होते हैं मुने, परंतु वहाँ से भ्रष्ट हुए जीविका को भी
यह एक अन्य श्रेष्ठ गुण देखे जाते हैं कि वे अपने शुभ कर्मों के संस्कार से युक्त होने के कारण मनुष्य योनि में ही जन्म पाते हैं। वह भी वह महाभाग मानव सुख के साधनों में संपन्न होकर ही उत्पन्न होता है, परंतु यदि मानव योनि में वो अपने कर्तव्य को ना समझे तो उससे भी नीची योनि में चला जाता है। इस मनुष्य लोक में मानव शरीर द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको परलोक में भोगा जाता है। ब्राह्मण, ये कर्म भूमि और वो फल भोग की भूमि मानी गई है। मुद्गल बोले, देवदूत, तुमने स्वर्ग के महान दोष बताए, परंतु स्वर्ग की अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक इन दोषों से सर्वथा रहित है तो उसका भी वर्णन करो। देवदूत ने कहा, ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है, वो शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्म भी कहते हैं। विप्रवर, जिनका मन विषयों में रचा रचा होता है वे लोग वहाँ नहीं जा सकते। दंभ, लोभ, महाक्रोध, मोह, और उसके बाद एक चित्र है, ये दुर्योधन का दूत। मोह और द्रोह से युक्त मनुष्य भी वहाँ नहीं जा पहुँच सकते हैं। जो ममता और अहंकार से रहित सुख दुख आदि इन दंडों से ऊपर उठे हुए जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में तत्पर हैं वे मनुष्य ही उस लोक में जा सकते हैं। मुद्गल, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है वो सब मैंने कह सुनाई। साधु, अब आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक स्वर्ग की यात्रा करें, विलम्ब नहीं होनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवदूत की ये बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ मुद्गल ने उस पर बुद्धिपूर्वक विचार किया। विचार करके उन्होंने देवदूत से कहा, देवदूत, तुम्हें नमस्कार है, तात तुम सुखपूर्वक पधारो स्वर्ग, तथा वहाँ के सुख महान दोषों से युक्त है, इसीलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आहो, पतन के बाद तो स्वर्गवासी मनुष्य अत्यंत भयंकर महान दुख और अनुताप होते हैं, और फिर वे इसी लोक में विचरक रहते हैं। तो इसी लोक के बारे में श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा था, जिसके बारे में भगवद गीता के समय पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मुझे स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं है, जहाँ जाकर मनुष्य कभी सुख नहीं करते, व्यतीत नहीं होते, तथा जहाँ से विचलित नहीं होते हैं, केवल उसी अक्षय धाम को मैं अनुसंधान करूँगा। ऐसा कहकर मुद्गल मुनि ने उस देवदूत को विदा कर दिया, और शील और उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले वे धर्मात्मा महर्षि उत्तम रीति से समदम आदि नियमों का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा स्तुति समान हो गई, वे मिट्टी के ढेर, पत्थर और सुवर्ण के समान समझने लगे, और विशुद्ध ज्ञान योग के द्वारा नित्य ध्यान में तत्पर रहने लगे। ध्यान से परम वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, और उसके द्वारा उन्होंने सनातन मोक्ष रूप परम सिद्धि प्राप्त कर ली। कुंती नंदन, इसलिए तुम भी संवेदशाली राज्य से भ्रष्ट होने के कारण शोक न करो, तपस्या द्वारा तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख बारी बारी से आते रहते हैं, जैसे आर्य नेमी से जुड़े हुए ऊंचे ऊंचे नीचे आते रहते हैं, वैसे मनुष्य का सुख दुख से संबंध होता रहता है। अमित पराक्रम युधिष्ठिर, तुम 13वें वर्ष के बाद अपने बाप दादों का राज्य प्राप्त कर लोगे, अतः अब तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। भीष्मपन जी कहते हैं, जन्मे जय परम बुद्धिमान भगवान व्यास पांडुनंदन युधिष्ठिर से ऐसा कहकर तपस्या के लिए पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। तो दोस्तों, इतिहास की चैप्टर सबका तो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले चैप्टर पे। द्रौपदी हरण पर्व, दुर्योधन का महर्षि दुर्वासा को आतिथ्य सत्कार में संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिर के पास भेजकर प्रसन्न होना।